साथियों, आज हमारा विषय है कि यदि कोई मधुमक्खी का छत्ता आसपास के रहने वालों के लिए खतरा बन चुका हो तो उसे किस प्रकार से सुरक्षित ढंग से कार्य को संपादित करना है। सुरक्षा की दृष्टि से इनको 5 निम्न चरणों में बांट दीजिए। पहला, 6 डायरेक्शन हजार्ड। मधुमक्खी के छत्ता लगाने का कोई निश्चित स्थान नहीं होता है, अतः हर स्थान के लिए 6 डायरेक्शन हजार्ड एनालिसिस के उपरांत सभी हजार्ड को खत्म करना है या ना के बराबर हो जाए ऐसे उपायों का प्रयोग करना है। उदाहरण के लिए, क्या यह काम जमीन में रहकर दूर से हो सकता है या मैन लिफ्टर की आवश्यकता है? अगर हाइट पर कार्य करना है तो क्या कार्य करने वाले वर्कर के पास वर्किंग एट हाइट का गेट पास है? क्या कोई बिजली का तार आसपास तो नहीं है? है तो क्या शटडाउन लेने की ज़रूरी है? क्या जो SWP वेंडर के पास है वो इस कार्य के लिए पर्याप्त है या इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है? यदि है तो उसे सुधार कर उसे अपडेट कर लें। दूसरा, इसेंशियल PPE। मधुमक्खी का छत्ता हटाना एक विशेष कार्य है, इसलिए इसमें कुछ विशेष PPE की आवश्यकता होगी, जैसे फुल बॉडी एप्रन यदि कोई ऊंचाई पर है तो मैकेनाइज्ड मैन लिफ्टर। किसी वजह से रात में कार्य करना हो तो 1-2 अच्छी टार्च, इंसेक्ट रिपल्सिव ऑयल, फर्स्ट एड बॉक्स आदि PPE जैसी चीज़ें होनी चाहिए। तीसरा, टूल्स टैकल। साइट पर पहुंचने से पूर्व अपने समस्त इक्विपमेंट की को चेक करने के साथ रेडी कर लें, जैसे केमिकल डाइल्यूशन, स्प्रे पंप महत्वपूर्ण है। चौथा, कार्यस्थल पर कार्य के संबंधित व्यक्ति के अलावा अन्य का आवागमन अवरुद्ध कर देना चाहिए। छत्ते पर स्प्रे करने के उपरांत उसे अच्छी तरह से काटकर नीचे खाली स्थान पर गिरा देना तथा स्थान छोड़ने से पहले इस सभी छत्तों को सुरक्षित आसपास जमीन खोदकर गाड़ दें, जिससे किसी जीव जंतु या मानव अनजाने में इसका इस्तेमाल ना कर सके। पांचवा, कार्य उपरांत PPE तथा अन्य उपकरणों को अच्छी तरह साफ कर लें। कुछ भी छूने या खाने के पूर्व साबुन से हाथ मुंह को अच्छी तरह से धो लें। इन तरह से अगर आप उपाय करते हैं तो सुरक्षित ढंग से मधुमक्खी के छत्तों को निकालने में सुविधा होगी। धन्यवाद।